हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब विजन। आज हम आपको इस वीडियो में कोल इंडिया और वीजा के स्टील के असिस्टेंट इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2020 का जो निकला है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने कोल इंडिया का फॉर्म भर रखा है, अब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या वीजा के स्टील के लिए जो वैकेंसी आई वो फिल करना चाहिए या क्या करना चाहिए, या कितनी सिमिलरिटीज है दोनों के एग्जाम में, क्या बेनिफिट है अगर आप कोल वीजा के फॉर्म भरते हैं, तो हम इस वीडियो में आपके पूरा डिटेल बातें करेंगे। आप अगर आप वीजा के स्टील का फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको ये वीडियो जरूर अंत तक देखना चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए देखते हैं क्या सिमिलरिटीज है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, दोनों के एग्जाम में क्या डिफरेंसेज हैं, दोनों कंपनी किस वे में कैसे एग्जाम कंडक्ट कराती है, देखते हैं। वैकेंसी आपकी जो कोल इंडिया की है, आपको पता है, आपने फिल कर दिया होगा, 1326 पोस्ट है इसमें, लेकिन वीजा के स्टील में 188 पोस्ट है। ये जो हमारी कोल इंडिया लिमिटेड जो है, हमारी महारत्न कंपनी है, लेकिन वीजा के स्टील नवरत्ना कंपनी है। अब देख लेते हैं क्या इनकी लाइफ है, इन जो कोल इंडिया में आपके पोस्ट मिलते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के, उसमें क्या आपकी लाइफ होता है या वीजा में क्या लाइफ है। जो दोनों का जो सैलरी है बहुत ही अच्छा है आशा में, और जो इनकी लाइफ है बहुत ही बढ़िया है, और इसमें आपके कोल इंडिया में बहुत अच्छी और वीजा में बहुत अच्छा फैसिलिटी मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलते हैं, रहने के लिए अलाउंस मिलते हैं, तो बहुत सारे आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। और हाँ, ये कह सकते हैं कोल इंडिया का जो सैलरी पैकेज है थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वीजा के स्टील, क्योंकि इसमें पैसे कोल इंडिया में थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन बस इसमें ये दिक्कत है आपको माइनिंग में उतरना पड़ता है, कभी कभी आपको माइनिंग के अंदर जाना पड़ता है, और इस वीजा के स्टील में ये सब चीज़ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं सिमिलरिटीज़ के बारे में कि कोल इंडिया में और वीजा के स्टील में क्या सिमिलरिटीज़ है, सिलेबस को लेकर, सिलेबस दोनों का सिलेबस कैसा है, कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा वो देख लेते हैं। जो आपका कोल इंडिया का सिलेबस है, आपको पता है दोनों का पेपर 200 का होगा, और वीजा के स्टील का भी 200 का पेपर होगा, दो पेपर में कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें टेक्निकल होगा, आपका 100 क्वेश्चंस होंगे, आपको 1 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस होगा, और वीजा के स्टील में भी टेक्निकल में 100 क्वेश्चंस होंगे, आपको सेम मार्किंग मिलेगा। और नॉन टेक्निकल में देख लेते हैं, नॉन टेक्निकल यहाँ पे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि टेक्निकल देखिए, आप अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको आपका जो बैकग्राउंड होगा, आप गेट के थ्रू गेट जरूर दिए होंगे, या तो IAS की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपका टेक्निकल ऑलमोस्ट तैयार रहता है। तो टेक्निकल में आपकी फाइटिंग ज़्यादा नहीं है, आपकी जो फाइटिंग है नॉन टेक्निकल में है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा स्कोर करना, क्योंकि आपका ये बैकग्राउंड नहीं है, इसमें आपको स्टडी अच्छे से करनी पड़ेगी और अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने कोल इंडिया 2017 दिया था, तो यही पैटर्न हम लेके चले थे। टेक्निकल तो मेरा स्ट्रांग था और मैंने नॉन टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस किया, जिससे मैंने 173 मार्क्स मैंने स्कोर किया था और मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो देखिए, आप इसमें देखते हैं क्या जो हमारा नॉन टेक्निकल का है, उसमें आपका जनरल नॉलेज और अवेयरनेस दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका भी सेम सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस। अगर हम इस कोल इंडिया के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोल इंडिया के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आपका जो वीजा की स्टील का है ऑलरेडी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन चल रही है, तो आपको अलग से कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे भी आपका जनरल इंग्लिश है, यहाँ भी आपका जनरल इंग्लिश है, इसका मतलब आपको तैयारी सेम पैटर्न में ही करनी है। क्यों? क्योंकि दोनों जो एग्जाम है, दोनों का टाइमिंग सेम है, दोनों का क्वेश्चंस सेम है, क्वेश्चंस लेवल सेम है, तो आपको सेम सिमिलरिटीज मिलेगी एग्जाम के पैटर्न में, ठीक है। और यहाँ भी न्यूमेरिकल एबिलिटी दिया हुआ है, यहाँ भी आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड रहेगा, तो और यहाँ पे आपका रीजनिंग है, यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है। इसका मतलब यहाँ से देखने से आपको पता चल रहा है कि सिलेबस हमारा जो कोल इंडिया का है, कोल इंडिया का सिलेबस जो है वो वीजा के स्टील का दोनों का एकदम 99% आपका सेम है। अब बस डिफरेंट का है, डिफरेंट अब कहाँ पर है वो हम बता देते हैं। वीजा के स्टील में अगर आप वीजा के स्टील की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अलग से केवल तैयारी करनी पड़ेगी डेटा इंटरप्रिटेशन की। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, आपका जितने पाई चार्ट होते हैं, चार्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको पूछे जाते हैं। उसकी तैयारी करने में अराउंड आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हम कंसीडर करें तो बहुत ही सिंपल होता है, थोड़ा सा एनालाइज करने की आपको तरीका आ जाना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत ही आराम से हो जाता है और बहुत ही स्कोरिंग होता है ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। और
इसको इससे ज़्यादा कोई आपका मतलब कोई फॉर्मूले नहीं है, बल्कि अब बेसिक्स रूल है, उसको बस एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाता है। विद इन 1 डेज में इसको तैयारी की जा सकती है। बल्कि एक यही आपका टॉपिक ऐसा है जो आपको डिफरेंट कर रहा है वीजा वीजा स्टेल से और कोल इंडिया से। तो देखिए, अब इस बताने का मकसद मेरा इस वीडियो में ये था कि अगर आप अभी तक वीजा के स्टेल का फॉर्म नहीं भरे हैं, अगर आपने कोल इंडिया के फॉर्म भर के तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वीजा स्टिल भी फिल कर देना चाहिए। क्यों? आपको आप क्योंकि आपकी एनर्जी जो आपने यहाँ पे लगा रहे हैं, वही एनर्जी सेम तो यहाँ पे आपको लगानी है, तो आपको अलग से एग्जाम सॉरी अलग से आपको तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। सेम एनर्जी आपने यहाँ पे, अगर बाय द वे आपको यहाँ पे कुछ आपका सिलेक्शन नहीं, बाय द वे आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाता है, सपोज करिए आपने एफर्ट अच्छा किया लेकिन आपको बाय द वे किसी वे से आपका मार्क्स या कट ऑफ ऊपर चला गया, आपके मार्क्स को स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पोस्ट तो 1326 ही है, तो 1326 ही पोस्ट पे बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, तो उसमें जो बच्चे रह जाएंगे वो यहाँ पे उनकी अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एफर्ट अच्छा दे रखा है, बस उनको थोड़ा सा और एफर्ट देने की ज़रूरत है, आराम से वीजा के स्टील के का जो एग्जाम होगा उनका अच्छा चला जाएगा। तो ये हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको, अगर आपने कोल इंडिया की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वीजा के स्टील का फॉर्म फिल कर देना चाहिए। अभी भी इसका लास्ट डेट बचा हुआ है, अगर अराउंड 13 फेब को है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं, और अगर आपने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको दोनों सिलेबस लेके चलना चाहिए और अच्छे से मेहनत करना चाहिए कि आपका सिलेक्शन श्योर किसी न किसी में श्योर रहे, क्योंकि दोनों PSCs बहुत ही अच्छे PSCs हैं, अच्छी लाइफ है। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो लाइफ है बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड थिंग क्या है आपका, यहाँ भी आपका नो निगेटिव, मतलब कोल इंडिया में आपको नो निगेटिव मार्किंग है, 200 आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं विथ फ्लानिंग। यहाँ भी आपको नो निगेटिव मार्किंग दिया है, मतलब सारा एग्जाम जो पैटर्न आपका है सेम एज कोल इंडिया है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस करनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे मिस कर रहे हैं, इसका मतलब आपने एनर्जी यहाँ पे जो लगाया है, अगर तो यहाँ पे आपको उस चीज़ के लिए आप उसको लीव कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फील करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप क्या पैटर्न है, जो एग्जाम एग्जाम मैंने बता दिया, एग्जाम पैटर्न जो आपका रहेगा सेम लेवल का रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो आपका कोल इंडिया का जो पेपर है हो रहा है 300 में हो रहा है, 3 आवर्स में हो रहा है, और वीजा का भी होगा 2.5 से 3 आवर्स में ही होगा आपका एग्जाम। तो दोनों का क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, बहुत क्वेश्चन नंबर ऑफ सेम एंड सो तो यहाँ पे लेवल ये बन रहा है कि आपका जो एग्जाम्स के क्वेश्चन क्वेश्चन होंगे उनका लेवल भी सेम होगा। यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको तो पता है इसका पैटर्न कैसा होता है, तो आप यहाँ पे सब्जेक्टिव पूछे तो यहाँ भी सब्जेक्टिव ही होना, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल नहीं दे सकते हैं कि गेट लेवल का न्यूमेरिकल दे देंगे, आपको अलग से तैयारी करनी है। ठीक है, जो क्वेश्चन का लेवल है सेम रहेगा। आप देख लेते हैं एग्जाम डेट क्या है, डेट आपको तो कोल इंडिया का पता ही है, जो आपका कोल इंडिया का डेट है आपको पता है 27-28 फेब को है। ठीक है, लेकिन वीजाग का भी डेट अनाउंस हुआ नहीं है। बाकी आपको चांसेस क्या होते हैं, अक्सर जो हमके पीछे पिछले एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे वो अप्रैल और मई में करा लगभग करा लिए जाते हैं, तो आपको अप्रैल मई सोच के ही चलना है। तो आपको देखिए यहाँ फेब 1 मंथ या 2 मंथ के अराउंड गैपिंग है, तो आपको इनफ टाइम मिल रहा है कि आपको अपना रिवाइज करके अपना तैयारी और अच्छा कर सकते हैं, जिससे आपका अपना बेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते आगे आपको क्या करना है, किस वे में प्लानिंग करना है, तो आपको इसकी एक प्लानिंग के अनुसार चलिए, जिससे आपका सिलेक्शन किसी न किसी दोनों PSU में से एक में श्योर हो जाए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद था, जिससे आपको ये गाइडेंस, क्योंकि किसी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप भी वीजा स्टेल के बारे में भी एक वीडियो बना के सजेस्ट करिए, तो मैंने इस वीडियो को बनाया। और फ्रेंड्स, अगर मेरे ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ये मेरा जो चैनल है गवर्नमेंट जॉब विजन, मैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, हाउ टू इंक्रीज ऑफ स्टडी इफिशियंसी इन लेस टाइम। आपको पता है, किसी का अगर हम फ्रेंडली बात करें तो देखिए भाई, किसी का मन नहीं करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। अगर हम 90% 10% छोड़ दें 10% छोड़ दें तो 90% अराउंड जो है कि उनको यही शिकायत होती है कि हमारा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, या मेरा लगन तो है लेकिन हम अपना एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो उस एफर्ट को कैसे इंक्रीज करना चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बताने वाला हूँ। वो मैंने इस
प्रैक्टिकली यूज़ किया है और बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको, आप भी एक बार ट्राई करिएगा जरूर, जिससे आपकी जो इफिशियंसी है पढ़ाई की या आपकी क्या जो क्षमता है इंक्रीज हो जाएगी और आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत बेटर होगा डे बाई डे। तो वही है नेक्स्ट आपका जो वीडियो आने वाला है, हाउ टू इंक्रीज योर इंटरेस्ट इन स्टडी इफ यू फीलिंग बोर्ड आर होपलेस। ठीक है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको कोई और सजेशन देना है तो आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बता सकते हैं, मैं उस पर जरूर आपको कुछ न कुछ वीडियो या आपको जैसे भी हेल्प कर सकता हूँ करूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ऐसे ही अब वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको अपडेट देता रहा हूँ। थैंक यू सो मच।